हेलो स्पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। ये अपना लेक्चर है भाई, पाचन एवं अवशोषण का। कल संडे भी था वैसे, और कल का टेस्ट का हमने सिलेबस बताया भी नहीं था ना कि कल टेस्ट होगा। अगले संडे को टेस्ट है भाई, जो कि 1 अक्टूबर को, उसका संडे तो टेस्ट होगा। उसको सिलेबस मैंने डाल दिया है, ऐप पे डाल दिया है, टेलीग्राम पर भी मैंने डाल दिया है, तो देख लेना। आप में से कुछ ने बोला कि भाई चैप्टर्स हुए नहीं है वो जो सिलेबस में दे रखे हैं, करवा दूंगा संडे से पहले, करवा दूंगा वो चैप्टर्स, ठीक है? तो जो सिलेबस है वो देख लेना, ठीक है? अब बात करते हैं। थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, आज भी वैसे डाउन नहीं है, क्लिंकर बहुत ज़्यादा डाउन थी, आज थोड़ी रिलीफ महसूस हो रही थी, पर कास्ट तो लेते हैं, चलो है ना। चलो आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को, ठीक है? और आज अपन स्टार्ट करने वाले ग्लैंड्स की बात करेंगे ना। इससे पहले अपन ने बात कर ली इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल की, अपन ने बात कर ली दांतों की, बात कर ली, ठीक है? कौन कौन सी लेयर्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, कितनी लेयर्स से मिलकर बना हुआ है, सीरोसा, ठीक है? उसके बाद मस्क्यूलरिस, उसके बाद सब म्यूकोसा, और फर्क उसके बाद म्यूकोसा। तो ये लेयर्स की अपन ने बात कर ली थी डिटेल में। अब बात करेंगे अपन ग्लैंड्स की, है ना। ग्लैंड्स की बात करने से पहले मैं एक चीज़ देख लेता हूँ यार, वो मैंने बताई है या नहीं बताई है। अगर नहीं बताई है तो मैं बता दूंगा, और अगर बता दिए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, डायग्राम में चलेंगे, जो अपने स्टार्टिंग में बनाया था ना उसमें डायग्राम में चलेंगे। हाँ, यहाँ बताई हुई है, चलो इलियोसिकल वॉल्व, हाँ यही बतानी थी मेरे को, मुझे लगा नहीं बताई मैंने ये चीज़। चलो अब अपन आएंगे ग्लैंड्स पर बात करेंगे। ग्लैंड्स 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 तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था चैप्टर के अंदर कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, पाचन तंत्र, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। किस किस से? एक आपकी आहार नाल और दूसरी आपकी पाचन ग्रंथियां, या फिर जो सहायक ग्रंथियां बोल दो। उसके अंदर मैंने आपको अलग अलग ग्लैंड्स के नाम भी बताए थे, चाहे वो आपकी सलाइवरी ग्लैंड हो, लार ग्रंथि, ठीक है, जठर ग्रंथि हो गई आपकी, उसके अलावा आपके लीवर हो गया, पेंक्रियास हो गया। तो ये मैंने आपको अलग अलग ग्रंथियां बताई थी, ठीक बात भैया बताई थी। अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो इस चैप्टर के लेक्चर्स को तो आपको पता भी होगा, बिल्कुल ठीक। तो अब अपन एक एक को पढ़ेंगे, ठीक है? एक एक ग्लैंड्स को अपन पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना यार, ठीक है? पाचन ग्रंथियों की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं? पाचन ग्रंथियों की बात करेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसमें सबसे पहली है लार ग्रंथियां। कौन सी है? लार ग्रंथियां। अब सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज बैठा लेना कि एनसीईआरटी में जो आपकी लार ग्रंथियां हैं, इसको थोड़े से 2-3 लाइंस में खत्म कर दिया गया है, ज्यादा कुछ डिटेल्स दी नहीं है, लेकिन अपन थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? लार ग्रंथियां, अंग्रेजी में बात करूं तो स्लाइवरी ग्रेन्स बोलते हैं, ठीक है? लार को सलाइवा बोलते हैं ना, तो लार ग्रंथियां क्या होगी, ग्रंथियां क्या होती, ग्लैंड्स, तो सलाइवरी ग्लैंड बोल दिया। अब सबसे पहले बात आती है कि ये ग्लैंड्स होती कितनी है, है ना? सबसे पहले तो संख्या पता होनी चाहिए ना अपन को कि भाई कितने नंबर है इन ग्लैंड्स के। तो लार ग्रंथियां जो होती है कितनी है, 3 जोड़ी में होती है। कितनी? 3 जोड़ी में होती है। अब आप सबको पता है जोड़ी जो है वो कितनी होती है, कितने लोगों से मिलकर एक जोड़ी बनती है भाई? किसी की शादी हो रही है ना, कोई कपल है, तो क्या बोलते हैं अपन कि यार जोड़ी तो बढ़िया है इनकी, या फिर इनकी जोड़ी तो बहुत खराब है, ऐसे बोलते ना। तो जोड़ी कितने? जूतों की जोड़ी, मतलब दो जूतों से मिलकर एक जोड़ी बनती है ना। तो वैसे ही यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि 3 जोड़ी आगे क्या होती हैं, लार ग्रंथियां होती हैं। 3 जोड़ी का मतलब क्या है, टोटल कितनी होगी, 6 नंबर संख्या की टोटल कितनी होगी, 6, ठीक है? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, मतलब टोटल कितनी होगी, 6। टोटल पूछे आपको कि भाई टोटल संख्या कितनी होगी, तो आप कितने बताओगे, 6 बताओगे। अगर आपको जोड़ी में पूछे तो 3 जोड़ी, ठीक है? ये मुख गुहा के ठीक बाहर स्थित होती हैं। जो आपकी जो लार ग्रंथियां हैं ना, वो आपके मुख गुहा के अंदर नहीं होती, मतलब बक्कल केविटी जो है, ओरल केविटी, उसके अंदर नहीं होती। तो भैया कहाँ होती हैं? ये ओरल केविटी के बाहर होती हैं, लेकिन अपना जो स्लाइवा है वो कहाँ रिलीज करती हैं, वो अपना निकालती है कहाँ पर, मुख गुहा के अंदर। तो ये लाइन यहां लिख रहा है कि मुख गुहा के ठीक बाहर स्थित होती हैं ये ग्रंथियां, मुख गुहा में लार रस का श्राव करती हैं। वापस सुन ला मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं जो आपकी लार ग्रंथियां होती हैं वो 3 जोड़ी में होती हैं, ठीक है?
मतलब टोटल कितनी होंगी, 6 होगी। बोले ठीक बात है भैया। अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो लाल ग्रंथियाँ हैं जो हैं, आप मुख गुहा, मैंने आपको बता दिया कि मुख खोलो आप और जो आपको दिख रहा है ना, जो खाली जगह आपको दिख रही है वही मुख गुहा होती है, वही अभी क्या होती है, ओरल केविटी होती है। बोले ठीक बात है भैया। तो मैं ये कह रहा हूँ ये जो लाल ग्रंथियाँ जो है ना, वो आपकी ओरल केविटी मुख गुहा के अंदर होती ही नहीं है, वो ओरल केविटी के बाहर स्थित होती हैं। जबकि वो अपना जो सलाइवा है ना, जो अपना लार है, उसको कहाँ निकालती हैं, वो निकालती कहाँ पर है, मुंह के अंदर ही, लेकिन होती मुख गुहा के अंदर नहीं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यहां बना लेते हैं, ध्यान से देखना भाई इसको। ठीक है, ये पहले बनाया हुआ सारा है ना, एक ही में से आपका ट्रेकिया हो गया, एक आपका ईसोफेगस हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं, पहले मैं एक टंग और बना देता हूँ, जीभ भी बना देते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये है आपकी जीभ हो गई, टंग हो गई। ठीक है, अब आपकी लार ग्रंथियाँ हैं कहाँ पे, थोड़ा सा नाक इसका और सही बना देता हूँ। चलो ठीक है, अब बात करते हैं अपन क्या अपनी लार ग्रंथियां कहां पर है। ध्यान से देखना, एक एक मैं लार ग्रंथि बनाने वाला हूं। ये होगी आपकी पहली लार ग्रंथि। ठीक है, ये है आपकी पहली लार ग्रंथि। तो मैंने आपको कहा ना कि ये जो लार ग्रंथि है ना, ये कहाँ नहीं होती, ये आपके मुंह के अंदर नहीं होती, मुख गुहा के अंदर नहीं होती, होती मुख गुहा के बाहर है, लेकिन अपना जो लार है, जो सलाइवा, वो कहाँ निकालती हैं, वो निकालती कहाँ पर, मुख गुहा के अंदर। अब आप ये मत सोचना इस डायग्राम के अंदर देख के कि भैया ये तो नाक के अंदर निकाल रही है, नहीं, नाक के अंदर नहीं निकाल रही। इसको मैं थोड़ा सा और सही बना देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए कि भैया नाक के अंदर निकाल रही है, ये नाक के अंदर नहीं निकाल रही, आपका जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, उसके अंदर ये सलाइवा निकाल रही है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इस ग्लैंड का नाम क्या होता है, इस ग्लैंड का नाम होता है पेरोटिड ग्लैंड। क्या नाम होता है, पेरोटिड ग्लैंड। हिंदी में भी बताऊंगा क्या नाम होता है इसका, इसका हिंदी में नाम होता है जी कर्णमूल ग्रंथि या फिर कर्णपूर्व ग्रंथि, कर्णपूर्व ग्रंथि ग्रंथि। ठीक है, कहाँ स्थित होती है ये, कान के आसपास स्थित होती है ना, या तो इस गाल के आसपास देख लो आप, है ना, गाल और कान के आसपास ये यहाँ पर स्थित होती है, गाल और कान के आसपास ये स्थित होती है। तो आपको पूछा जाए कहाँ पर स्थित होती है, तो आप क्या बताओगे, कान ऑप्शन में दे रखा है तो कान वाला टिक मार देना, गाल दे रखा है तो गाल वाला मार देना टिक पे। ठीक है, अगर आपको दोनों दे रखे हों, कान और गाल के बीच में दे रखा हो, तो वो वाला टिक मार देना। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आप इसको देख सकते हो। अब इनके बारे में मैं आपको डिटेल थोड़ी सी बताऊं, उससे पहले मैं आपको सारी ग्लैंड्स बता देता हूं। तो पहली ग्लैंड तो आपकी हो गई ये वाली, इसको मैं कर देता हूं थोड़ा सा हाईलाइट। पहली ग्लैंड कौन सी आपकी, पेरोटिड ग्लैंड या फिर कर्णमूल या फिर कर्णपूर्व ग्रंथि। ठीक है, अब अपनी अगली ग्लैंड जो है उस पर चलते हैं। ये ओपन हो रही है यहाँ, ये भी देख लो मुख गुहा के अंदर नहीं है, मुख गुहा से बाहर स्थित है। ठीक है, और रिलीज कहाँ पर कर रही है अपना, इसने जो लार बनाई ना, जो सलाइवा बनाया, वो कहाँ रिलीज कर रही है, यहाँ पर जो अपने नीचे वाला जो जबड़ा है ना, यहाँ से यहाँ पर ये अपनी जो लार है उसको निकालती है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम भी बता देते हैं आपको, इसका नाम है जी, इसका नाम है सब मैंडिब्यूलर
या फिर सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, हिंदी में भी बता देंगे नाम इसका। इसका जो हिंदी में नाम की बात करें अपन तो इसका नाम हो जाएगा अधोजंभ या फिर अव चिबुकीय ग्रंथि। ठीक है, ये हो गई आपकी दूसरी ग्लैंड। ठीक है, इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, दो ग्लैंड मैंने आपको बता दी, अब तीसरी ग्लैंड की बात करते हैं। तीसरी ग्लैंड की बात कर लेते हैं। तीसरी ग्लैंड है यहाँ कहीं, थोड़ा सा मैं जूम करके यहाँ बनाता हूँ। तीसरी ग्लैंड है जस्ट आपकी जो जीवा है उसके नीचे आप वो खुलती है, वो ग्लैंड है ना, जीभ है उसके नीचे वो जस्ट खुलती है। और तीसरी जो ग्लैंड है उसका नाम क्या है, ये भी सलाइवा निकालती है जी, इसका नाम क्या है, इसका नाम आपका सब लिंगुअल ग्लैंड। अब इसको सब लिंगुअल क्यों कहते हैं, लिंगवा वर्ड किसके लिए यूज होता है, लिंगवा वर्ड यूज होता है आपकी जीभ के लिए, टंग के लिए वर्ड होता है, लिंगवा शब्द जो है वो यूज होता है। अब ये जो ग्लैंड है ना वो जीभ के जस्ट नीचे खुल रही है, इसलिए क्या बोल दिया इसको, सब लिंगुअल इसको कहा गया है। वहीं मैं बात करूं इसकी, इसको सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी क्यों बोला है, नीचे वाले जबड़े को के लिए वर्ड यूज होता है मैंडिबुलर मैक्सिलरी, ये वर्ड यूज होते हैं। ये उसके जस्ट नीचे खुल रहा है, ये जो नीचे वाला जबड़ा है इसके नीचे खुलती है वाली ग्रंथि, इसलिए क्या बोल दिया इसको, सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर बोल दिया। वैसे ही लिंगवा वर्ड है वो यूज होता है जीभ के लिए, आपकी टंग के लिए। ये वाली जो ग्रंथि है कहाँ ओपन होती है, कहाँ खुलती है, जीभ के जस्ट नीचे खुलती है, इसलिए सब लिंगुअल इसको कह दिया है। अब हिंदी में बात करें, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी वाला शब्द भी बता देता हूं आपको, हिंदी में बोलते हैं इसको अधोजीवा, अधोजीवा। अधोजीवा ग्रंथि। तो आप, ये मैंने आपको तीन ग्रंथियां बता दी, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया अभी आप बोल रहे थे कि ग्रंथियां छह होती हैं और आपने हमें तो तीन ही ग्रंथि बताई। तो मैंने कहा इसको ध्यान से देखो, ये जो मैंने चित्र आपके सामने बनाया है ना वो है इस साइड से बनाया मैंने, कैसे, इस साइड से बनाया, एक साइड से मैंने बनाया है। तो जितनी ग्रंथियां इस साइड में होंगी उतनी ही इस साइड में होंगी, इस साइड में तीन ग्रंथियां हैं ये वाली, तो इस साइड में भी क्या होंगी, तीन ग्रंथियां ये वाली होंगी। मतलब ये पेरोटिड जो ग्लैंड है आपकी वो अगर राइट साइड में है तो वो पेरोटिड लेफ्ट साइड में भी होगी, अगर ये सब मैंडिबुलर जो है ये राइट साइड में है तो वो लेफ्ट साइड में भी होगी ना, ये सब लिंगुअल राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में भी होगी। बिल्कुल भैया ठीक बात बोल रहे हो आप, होगी होगी। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक राइट साइड में पेरोटिड ग्लैंड, एक लेफ्ट साइड में पेरोटिड ग्लैंड, मतलब पेरोटिड ग्लैंड की कितने हैं, दो पेरोटिड ग्लैंड हैं, मतलब जोड़ी में हैं। तो एक जोड़ी किसकी, पेरोटिड ग्लैंड की, एक जोड़ी किसकी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड की, एक जोड़ी किसकी, सब लिंगुअल की। टोटल कितनी जोड़ी, तीन जोड़ी हो गई, और तीन जोड़ी का मतलब टोटल नंबर कितना होगा, टोटल संख्या कितनी होगी, छह ग्रंथियां। यहां तक सब क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब यार मैं इनकी कुछ डिटेल्स आपको बता देता हूँ इन ग्रंथियों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, पेरोटिड ग्लैंड की। यहाँ पर एक चीज़ और लिख देता हूँ मैं, बाद में आप भूलो नहीं इसलिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ये क्या होती है, एक जोड़ी होती हैं, एक जोड़ी, एक जोड़ी, ये भी एक जोड़ी होती हैं, एक जोड़ी, ये भी एक जोड़ी होती है, और जोड़ी का मतलब आप समझते हो, दो होते हैं जोड़ी का मतलब है ना। अब इनके बारे में कुछ खास बातें मैं आप लिखा देता हूं आपको। गाल या कान
के नीचे उपस्थित गाल या फिर कान के नीचे उपस्थित होती है, ठीक है, कान ऑप्शन ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, अगर कान दे रखा है तो कान पर टिक मारना, ठीक है, गाल या फिर कान के नीचे ये उपस्थित होती है। डक्ट की बात कर लेते हैं, इसकी डक्ट कौन सी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद होनी चाहिए। डक्ट कौन सी है, डक्ट है इसकी स्टेंशंस का डक्ट, स्टेंशंस, स्टेंशंस डक्ट, ठीक है, ये डक्ट मैं तीनों की बताऊंगा कि कौन सी डक्ट है। डक्ट का मतलब क्या है यार, ये आपकी ग्रंथि होगी, ये आपकी ग्रंथि होगी, और ये जो देखो यहां से यहां तक आ रही है ना, ये जो नाली आ रही है, ये जो पाइप से आ रही है, इसको कहा गया है डक्ट, इसको क्या कहा गया है, डक्ट। तो ये कौन सी है, स्टेंशंस डक्ट है, इसके अंदर कौन सी पेरोटिड जो ग्रंथि होती है, इसके अंदर कौन सी डक्ट होती है, स्टेंशंस डक्ट होती है। बोला ठीक बात है भैया, स्टेंशंस डक्ट होती है। ये खुलती कहां पर है, ये खुलती कहां पर है, डायग्राम से आपको पता भी लग गया होगा कहां पर खुलती है, ये खुलती है ऊपर वाले जबड़े में, कहां खुलती है, ऊपर वाले जबड़े में। तो ये आपको खुलती हुई दिखाई भी दे रही होगी यहां पर ऊपर वाले जबड़े में, ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बारे में और क्या खास बात बन जाती है, 25 से 30%, 25 से 30% कुल सलाइवा का, कुल सलाइवा का 25 से 30% कुल सलाइवा का 25 से 30% जो 25 से 30% जो सलाइवा है, सलाइवा यह ग्रंथि बनाती है, यह ग्रंथि स्रावित करती है, ऐसे लिखता हूं ना, ग्रंथि स्रावित करती है, ठीक है। पेरोटिड ग्लैंड के बारे में अपन ने बात करी कि हिंदी में इसको कर्णमूल ग्रंथि बोलते हैं, नॉर्मल बात, ठीक है, और उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, इसी जो डक्ट है वो कौन सी, इसका नाम क्या है, स्टेंशंस डक्ट नाम है, ठीक है भैया। और यार ये जो जितना कुल स्लाइवा निकलता है ना, जितना भी कुल स्लाइवा निकलता है ना, उसका 25 से 30% स्लाइवा कौन बनाता है, वो बनाता है आपका पेरोटिड ग्लैंड, ठीक है। कुल स्लाइवा 100%, मतलब कुल स्लाइवा जितना भी निकलता है उसका 25 से 30% ये जो पेरोटिड ग्रंथि है ये बनाती है, ठीक है। ये इसके बारे में कुछ खास बातें अपन ने कर ली। अब अपन बात करेंगे किसकी, सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी की अपन बात करेंगे कि इसके बारे में खास बातें क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये कहां होती है, ये आपकी स्थित होती है लोअर जो के नीचे है ना, नीचे वाले, नीचे वाले जबड़े के, नीचे वाले जबड़े के नीचे, के नीचे, के नीचे स्थित होती है, के स्थित नीचे स्थित होती है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई कि ये भाई होती कहां पर है, तो नीचे वाला जो जबड़ा है इसके नीचे ये स्थित होती है, लोकेशन पता चल गई। उसके अलावा यार इसके बारे में खास बात क्या है भैया, डक्ट बता दो इसकी, डक्ट कौन सी होगी, जैसे उसकी स्टेंशंस डक्ट थी ना, वैसे यहां पर इसकी डक्ट कौन सी है, इसकी डक्ट है यार, इसकी डक्ट कौन सी है, इसकी डक्ट है होर्सन्स डक्ट, कौन सी डक्ट है, होर्सन्स डक्ट, होर्सन्स डक्ट, होर्टन्स डक्ट, होर्सन्स नहीं, होर्टन्स डक्ट, ठीक है। मैंने इसकी बताई आपको स्टेंशंस डक्ट, इसकी बताई मैंने आपको होर्टन्स डक्ट। ये कहां खुलती है, ये डायग्राम देखो, इसमें कहां खुल रही है, ये तो आपकी ग्लैंड होगी, ग्रंथि होगी। अब ये जा रही है ना आपकी जो नली से जो जा रही है ना, ये नली जाके जा रही है, ये क्या है आपकी डक्ट है, इसी का नाम क्या है, होर्टन्स डक्ट, क्या नाम है, होर्टन्स डक्ट, ठीक है। कहां खुलती है ये देखो, इसमें देख लो कहां पर खुल रही है भाई, नीचे वाले जबड़े के, नीचे वाले जबड़े में खुल रही है, तो यहां पर कहां लिख देंगे, कहां खुलती है ये, नीचे वाले जबड़े में खुलती है, कहां खुलेगी, नीचे वाले
जबड़े में। चलो मैं इसको एक पेज ले लेता हूँ, वरना यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है। नीचे वाले जबड़े में खुलती है, जबड़े में खुलती है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अब कौन सा पॉइंट रह गया? देखो अपने सारे पॉइंट कवर कर लिए, सारे पॉइंट अपन ने कवर कर लिए। भाई कहां स्थित होती है बता दिया मैंने आपको, इसकी डक्ट स्टेंशन डक्ट थी, उसकी होटन्स डक्ट हो गई, ठीक है। ये अब बात करनी है अपन को कि भाई सलाइवा कितना निकाल रही है। जैसे पैरोटिड ग्लैंड की बात करी अपन ने, करी कि वो कितना निकाल रही है, कुल सलाइवा का 25-30% सलाइवा को निकाल रही है आपकी पैरोटिड ग्लैंड निकाल रही है। लेकिन आपकी जो ये सब मैंडिबुलर सब एक्सिलरी ग्लैंड जो है ये कितना निकाल रही है उसकी अपन बात कर लेते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये भैया मैक्सिमम निकालती है, कितना मैक्सिमम, सबसे ज्यादा जो सलाइवा निकालती है वो कौन सी ग्लैंड निकालती है, यही आपकी सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड है वही आपकी सबसे अधिक सलाइवा निकालती है। तो ये क्या है, अधिकतम अधिकतम सलाइवा श्रावित करती है, श्रावित करती है। तो यह अधिकतम सलाइवा जो है वो श्रावित करती है। अब अधिकतम कितना हो गया भाई, अधिकतम कितना है, अधिकतम का कोई मापदंड है क्या? बिल्कुल है जी, लगभग 70%, लगभग 70% जो सलाइवा है ना वो कौन निकालती है, आपकी ये सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी जो ग्लैंड है वो निकालती है। यहां तक क्लियर है, ठीक है भैया। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, कुछ खास बातें सब लिंगुअल इस ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में अपनी बात हो गई, अधिकतम सलाइवा श्रावित करती है, ठीक। अब बात करेंगे सब लिंगुअल की, सब लिंगुअल के बारे में क्या खास बातें हैं, यार ये सलाइवा बहुत कम निकालती है एक तो, ठीक है, बहुत ही कम सलाइवा ये जो ग्लैंड है वो निकालती है सब लिंगुअल वाली। ये होती कहां पर है सबसे पहले, तो ये जिह्वा के नीचे, ठीक है, जीवा के नीचे स्थित होती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, इसकी डक्ट का नाम, इसकी डक्ट कौन सी है, रेवेनस डक्ट होती है इसकी, कौन सी, रेवेनस डक्ट, ठीक है। कितना सलाइवा स्रावित करती है, ये स्रावित करती है 0.5% सलाइवा श्रावित करती है। चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, कुल सलाइवा का 0.5% सलाइवा सिक्रित बोल रहा हूं, श्रावित करती है, इंग्लिश और हिंदी में श्रावित। और ये चीज क्या है, सबसे मिनिमम भाई भाई है ना, अब सबसे कम यही कर रही है 0.5%, तो ये क्या है, कम से कम है ना, तो यहां मैं लिख देता हूं मिनिमम है ये। अब आपको पूछे कि मैक्सिमम सलाइवा कौन सी ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करती है या फिर श्रावित करती है, वो करती है आपकी सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी या फिर अधोजंब या फिर अब चिबुकीय जो ग्रंथि है वो करती है मैक्सिमम। और सबसे कम की पूछ ले तो बोल देना सब लिंगुअल जो है वो सबसे कम सलाइवा जो वो सिक्रीट करती है। वही मैं बात करूं पैरोटिड ग्लैंड की, तो 25-30% के आसपास आपकी जो सलाइवा है वो सिक्रीट करती है कुल सलाइवा का। चलो फिर आगे चलते हैं, अब अपन बात करेंगे लार की संरचना। मैंने ग्रंथियों की बात आपको बता दी, अब लार की संरचना के बारे में अपन बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। लार की संरचना का मतलब क्या है कि किस किस चीजों से मिलकर लार जो है वो बनी हुई होती है, भाई लार जो है उसके अंदर क्या क्या होता है यार, अपन उसको देखने वाले हैं। लार की कंपोजिशन, सलाइवा की कंपोजिशन क्या है, ठीक है, हाँ कंपोजिशन ऑफ सलाइवा लिख रखा है यहां पर। तो लार की संरचना का मतलब क्या है कि सलाइवा जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना, लार के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो भाई ये रिलीज कितना होता है, एक दिन में 1.5 लीटर सलाइवा जो है वो निकलता है, 1.5 लीटर लार जो है वो निकलती है अपने अंदर, ठीक है। पानी पी लूंगा भाई, थोड़ा सा खांसी वांसी आने को हो रही है।
तो एक दिन में कितना 1.5 लीटर सलाइवा जो है वो निकलता है। पॉइंट टू बी हाईलाइटेड, इस पॉइंट का हाईलाइट होना बनता है भाई, ठीक है। एक दिन में कितना सलाइवा निकलता है, 1.5 लीटर सलाइवा जो है वो स्रावित होता है, ठीक बात है। उसके अलावा इसकी पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पीएच कितनी है इसकी, पीएच कितनी है इसकी, पीएच है जी 6.8। पीएच कितनी होती है सलाइवा की, पीएच कितनी होती है 6.8 जो है इसकी पीएच होती है। वापस बोल रहा हूं, सलाइवा जो है वो कितना निकलता है एक दिन में, 1.5 लीटर के आसपास निकलता है। उसके अलावा इसकी पीएच आपको याद रखनी है 6.8 जो उसकी पीएच होती है, किसकी, सलाइवा की, ठीक है। अब इस सलाइवा में कितना 99.5% 99.5% क्या होता है, वाटर होता है, पानी होता है। लार की अपन कंपोजिशन देख रहे हैं कि लार के अंदर क्या क्या माल मसाला है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि 1.5 लीटर इसमें निकालता है। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि इसकी पीएच 6.8 होती है। उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि 99.5% जो है वो क्या होता है इसके अंदर पानी होता है, और बाकी जो 0.5% वो क्या होते हैं इसके अंदर सोल्यूट्स होते हैं। आयंस की मैं बात करूं तो सोडियम और पोटेशियम तो होते ही होते हैं, वो तो आपको हर जगह मिल जाएंगे। उसके अलावा क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और फोस्फेट भी होते हैं। अब यार क्लोराइड की जो है यहां पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है, उसकी बात करेंगे अपन, है ना। क्लोराइड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसको मैं यहां लिखता हूं, चलो इससे लिखते हैं। क्लोराइड के बारे में कुछ बातें मैं लिखता हूं। क्लोराइड, क्लोराइड जो है वो कोफैक्टर के रूप में काम करता है। किसके कोफैक्टर में काम करता है, ये कोफैक्टर, कोफैक्टर के रूप में, के रूप में कार्य करता है, कार्य करता है, कार्य करता है किसके लिए, किसके कोफैक्टर के रूप में, सलाइवरी अमाइलेज के, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं, टाइलिन, ये पटाइलिन मत बोलना है इसको, टाइलिन ही है। और जब हिंदी में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा तो टाइलिन ही लिखा हुआ दिखाई देगा। पी यहां पर साइलेंट है भाई, टाइलिन, हिंदी में भी लिख देता हूं इसको ताकि आप कंफ्यूज ना हो, टाइलिन, ठीक है। तो ये आपका क्लोराइड आयन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। अगर क्लोराइड आयन नहीं होगा तो आपका सलाइवरी अमाइलेज जो है वो ढंग से एक्टिवेट ही नहीं होगा ना, तो उसके लिए कोफैक्टर का काम कौन करता है, सलाइवरी अमाइलेज या फिर आपके टोटाइलिन, उसको उसके लिए कोफैक्टर का काम कौन करता है, आपका क्लोराइड आयन जो है वो काम करता है, बात क्लियर है। उसके अलावा जो बाइकार्बोनेट है उसकी भी बात कर लेते हैं, बाइकार्बोनेट, ये क्या है, बफर की तरह कार्य करता है, बफर, बफर की तरह कार्य करता है। बफर का मतलब क्या है कि भैया ये पीएच को मेंटेन करके रखेगा, पीएच जो है ना उसको मेंटेन करके रखेगा, पीएच को मेंटेन करता है, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीजें बताई, क्लोराइड आयन के बारे में बताया और बाइकार्बोनेट जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। एक तो जो आप क्लोराइड आयन है वो क्या करता है, कोफैक्टर का काम करता है, किसके लिए, सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन के लिए। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, बाइकार्बोनेट जो है ना यार, बाइकार्बोनेट जो है वो पीएच को मेंटेन करके रखता है, समझ में आई बात, ठीक है। जैसे मैं आपको इसको लिए बताऊं पीएच का आपको एग्जांपल दूं, तो यहां पर देखो पीएच कितनी है, 6.8 आ रही है, और अपने स्टोमक के अंदर कितनी पीएच है, स्टोमक तो एसिडिक है वहां पर, तो पीएच है ना, HCl है ना वहां पे, तो HCl है। तो अगर आप खाना जो है वो जल्दी जल्दी खाते जाओगे और ढंग से सलाइवा को मिक्स नहीं करोगे तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप खाने को चबा चबा के खाओगे ढंग से तो सलाइवा के अंदर वो बढ़िया से मिक्स होके जाएगा ना, आपकी लार के अंदर वो खाना जो है बढ़िया से मिक्स होके जाएगा। जब बढ़िया से मिक्स होके जाएगा तो बाइकार्बोनेट भी साथ में जाएगा खाने के साथ में, है ना। तो वहां पर वो क्या करता है, आपकी जो पेट के अंदर जो एसिडिटी है उसको नहीं होने देता, वहां पर जो है पीएच को मेंटेन करने का काम करता है,
ठीक है, आगे चलते हैं भाई। और ये सलाइवा जो है ना वो क्या होता है, जीवाणु रोधी भी होता है। सलाइवा के फायदे बता रहा हूँ, आपकी जो लार है ना वो कैसी है, जीवाणु रोधी भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है। भैया मतलब क्या हुआ एंटी बैक्टीरियल का, जीवाणु रोधी का मतलब क्या होता है कि ये जीवाणुओं को मार भी देती है, एंटी बैक्टीरियल होती है। अच्छा आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा कहीं किसी के चोट लग जाती है और कुछ है नहीं वहां पर, आपको कोई एंटीसेप्टिक नहीं है, कोई भी कुछ भी दवाई वगैरह का घुसादन नहीं है, तो क्या करते हैं थूक लगा लेते हैं, ठीक है। और थूक लगाने से क्या है, थूक के अंदर क्या है भाई, लार है, ठीक है, सीधी सी बात है, वो लगा लेते हैं और उससे क्या है वो चीज ठीक भी होने लगती है। रीजन क्या है कि सलाइवा जो कैसा एंटी बैक्टीरियल है, वहां पर कोई इन्फेक्शन नहीं होता उसके बाद में, तो इससे आपको पता लग रहा है कि ये चीज एंटी बैक्टीरियल है। और अगर आप गांव वाव से हो तो आपने एक चीज भी देखी होगी, ये जो गाय भैंस है इनके चोट वोट लग जाते हैं ना, तो क्या करती है वहां से चाट लेती हैं उस चोट को, ठीक है, लग जाती है जिसे जिसे बांध के रखते हैं उसको खूंटा बोलते हैं ना, उसके बंदे बंदे ये लग जाती है इनकी कहीं भी, तो फिर उसके क्या है वहां पर ये जीभ फेर लेती है ना, अपना जो सलाइवा वो लगा लेती हैं और उनका घाव जो वो ठीक होने लगता है। छोटे छोटे गांवों के लिए डॉक्टर नहीं बुलाते, वो अपने आप ही ठीक होते हैं उनके, तो कैसे सलाइवा के अंदर क्या है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। जीवाणुरोधी कैसे होता है, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है, एक एंजाइम है लाइसोजाइम, उसकी वजह से ये क्या है जीवाणुरोधी होते हैं। थायोसाइनाइड होती है सलाइवा के अंदर उसकी वजह से, और आईजीए होती है, आईजीए एंटीबॉडी जो फर्स्ट जो मिल्क निकलता है मदर से उसके अंदर भी क्या होती है, जिसको अपन कोलेस्ट्रम बोलते हैं या फिर खीस हिंदी में, तो उसके अंदर भी क्या होती है आईजीए एंटीबॉडी मौजूद होती है, वही आईजी एंटीबॉडी कुछ मात्रा में आपके सलाइवा के अंदर भी होती है। तो जीवाणुरोधी होता है आपका सलाइवा किस वजह से, इसके अंदर एंजाइम होता है लाइसोजाइम एंजाइम, थायोसाइनाइड होती है और आईजीए एंटीबॉडी होती है। फिर बात करूं मैं एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं भाई इसके अंदर, जो आपके सलाइवा के अंदर एंजाइम कौन कौन से होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज होता है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं टाइलिन भी बोलते हैं, स्लाइवरी अमाइलेज होता है जिसको अपन टाइलिन बोलते हैं। ये स्लाइवरी अमाइलेज जो है वो आपका डाइजेशन में भी हेल्प करता है, आगे बताऊंगा जब मैं आपको पाचन क्रिया जो है वो बताऊंगा तब मैं आपको इसका रोल बताऊंगा। अभी अपन सिर्फ ग्रंथियां पढ़ रहे हैं, अगर ग्रंथियां पढ़ेंगे उसके बाद में अपन पूरा पाचन कैसे हो रहा है, पाचन क्रियाएं कैसे हो रही हैं उनमें अपन इसकी बात आपको बताऊंगा, ठीक है। एक होता है लिंगुअल लाइपेज भी होता है, लेकिन ये लिंगुअल लाइपेज का इतना कोई खास रोल है नहीं, ठीक है। लिंगुअल लाइपेज होता है, एंजाइम कौन कौन से, एक स्लाइवरी अमाइलेज जिसको पंटाइलिन बोलते हैं, और एक लिंगुअल लाइपेज भी होता है, लेकिन लिंगुअल लाइपेज का कोई रोल है नहीं, ठीक है। और क्या होता है आपके जो आपका जो स्लाइवा उसके अंदर वो क्या होता है, म्यूकस होता है जी। म्यूकस किस काम आता है, भोजन को ल्यूब्रिकेट करने में, है ना, भोजन जो है उसको ल्यूब्रिकेट करने में काम आता है, ठीक है। आप क्या है बिस्कुट खा रहे हो, है ना, कुरकुरे खा रहे हो, तो कुरकुरे क्या है हार्ड है ना, वो तो हार्ड है। अगर कुरकुरे को आप डायरेक्ट खाओगे तो वो क्या है हार्ड है, और जाके वो क्या है आपके पेट में बहुत नाजुक चीजें है ना, तो दिक्कत करेगा। इसलिए क्या करना है अपन को, उसको चबा चबाई खाएंगे, चबा चबाई खाएंगे तो क्या होगा वो सलाइवा में मिक्स हो जाएगा, सलाइवा में मिक्स हो जाएगा तो वहां पर क्या है वो ल्यूब्रिकेट कर देता है, मतलब खाना जो आप खा रहे हो उसको ल्यूब्रिकेट करने का काम करता है कौन, म्यूकस, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, यूरिया होता है कुछ मात्रा में, और कुछ मात्रा में यूरिक एसिड होता है। तो ये सारी चीजें होती है किसके अंदर, आपके सलाइवा के अंदर। एक बार चीज मैं वापस रिपीट करूंगा इन सारी चीजों को, और उसके बाद में अपन अगली ग्रंथि में जाएंगे। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा की बात कर रहे हैं अपन कि लार के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले बात मैंने आपको क्या बताई, मेरे साथ साथ में याद कर लो कि दिन में एक दिन में कितना सलाइवा निकलता है, 1.5 लीटर एक दिन में निकलता है। उसके अलावा मैंने आपको इसकी पीएच बताई, 6.8 पीएच है। 99.5% इसके अंदर क्या है पानी है, 0.5% क्या है इसके अंदर सोल्यूट्स है, जिसके अंदर आयन आपके हो गए क्लोराइड आयन है, बाइकार्बोनेट है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सारी चीजें हैं। क्लोराइड आयन की मैंने आपको क्या खास बात बताई कि ये को फैक्टर के रूप में काम करता है किसके लिए, स्लाइवरी अमाइलेज और या फिर टाइलिन बोल दो। उसके अलावा मैंने आपको बताया बाइकार्बोनेट के बारे में, तो ये बफर के रूप में काम करता है, मतलब ये पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो सलाइवा होता है वो कैसा था, एंटी बैक्टीरियल होता है, जीवाणु रोधी होता है। तो ये जीवाणु रोधी किसकी वजह से, इसके अंदर एंजाइम होता है लाइसोजाइम होता है, इसके अंदर थायोसाइनाइड होता है, और इसके अंदर क्या होता है थायोसाइनाइड के अलावा इसके अंदर होता है आपका आईजीए एंटीबॉडी इसके अंदर होती है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं कुछ, कौन सा स्लाइवरी अमाइलेज टाइलिन होता है जो कि आपको मैं आगे बताऊंगा, डाइजेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा लिंगुअल लाइपेज भी होता है जो कोई काम आता नहीं है।
उसके अलावा आपकी सलाइवा के अंदर क्या होता है, म्यूकस होता है, और म्यूकस किस काम आता है, जो आप खाना खा रहे हो उसको ल्यूब्रिकेट करने में काम आता है, ठीक है, जो भोजन कर रहे हो उसको ल्यूब्रिकेट करने में। उसके अलावा यूरिया होता है और कुछ मात्रा में यूरिक एसिड होता है, क्लियर है, ये सारी चीजें आपकी सलाइवा के अंदर होती हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसकी, जठर ग्रंथि की बात करेंगे। सलाइवरी ग्लैंड की बात कर ली अपन ने, लार ग्रंथि की बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे किसकी, जठर ग्रंथि गैस्ट्रिक ग्लैंड की अपन बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनना बातों को, ये जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है ना, इसको मैं सलाइवरी ग्लैंड नहीं बोल रहा हूँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है इसको समझना यार ध्यान से। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ होती है, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, स्टमक के अंदर होती है, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ ये बात, ठीक है। ये आपका स्टमक है, ठीक है, इसमें जठर ग्रंथि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं किस प्रकार की होती हैं। ऐसी 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 पेट के अंदर संरचना होती हैं, आमाशय के अंदर ऐसी 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 संरचनाएं होती हैं, ठीक है। अब इन ये जो संरचनाएं हैं ये ऐसी बनी हुई हैं, इनमें बहुत प्रकार की सेल्स हैं, यहाँ पर कुछ अलग प्रकार की सेल्स हैं, यहाँ पर कुछ अलग प्रकार की सेल्स हैं, ठीक है, और फिर मैं आगे चलूँ तो यहाँ पर कुछ अलग प्रकार की सेल्स हैं, तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार की सेल्स से ये बनी हुई है, ठीक है। अब मैं इनमें से एक को निकाल लूँगा, एक को मैं निकाल लूँगा, और मैंने एक को यहाँ पर निकाल लिया जी, ये मैंने एक को निकाल लिया बाहर। अब इसको मैंने निकाला, इसके अंदर क्या है, बहुत प्रकार की सेल्स हैं, तो जठर ग्रंथि जो है ना आपकी, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो कोई एक नहीं है, अलग अलग प्रकार की सेल कोशिकाओं से मिलकर वो बनी हुई है, ठीक है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। जैसे मैं मान लो यहां पर कुछ अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, यहां पर कुछ अलग प्रकार की कोशिकाओं से ये बनी हुई है, फिर मैं नीचे बात करूं तो ये नीचे अलग प्रकार की कोशिकाओं से ये बनी हुई है, नीचे अलग प्रकार की कोशिकाओं से, फिर मैं और नीचे चलता हूं तो नीचे ये और नीचे जाऊंगा तो और अलग प्रकार की कोशिकाओं से बनी हुई है, फिर मैं और नीचे जाऊंगा तो ये और अलग प्रकार की कोशिकाओं से ये बनी हुई है, तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बनी हुई है। अब मैं इनको अगर नाम देना चाहूं तो ये ऊपर वाली को मैं नाम दे देता हूं, ये कौन सी है, ये है आपकी म्यूकस, म्यूकस नेक्सेल, नेक्सेल। अभी कौन सी होती है इसके बारे में आगे बताऊंगा, ये अलग अलग प्रकार की सेल्स हैं, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, कौन सी, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, तो ये कौन सी हो गई आपकी, म्यूकस नेक्सेल। नीचे वाली को मैं नाम दूं तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी, ऑक्सिंटिक या फिर पैराइटल सेल, ऑक्सिंटिक या फिर पैराइटल सेल, पैराइटल सेल। और नीचे वाली की मैं बात करूं तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी, पेप्टिक या फिर चीफ सेल, चीफ सेल। और ये जो नीचे वाली सेल्स हैं इनको क्या बोल दूंगा मैं, जी सेल्स, जी सेल्स। आपको एक चीज और मैं अभी यही क्लियर कर देता हूं कि आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें यार ये चारों सेल दे रखे हैं, लेकिन अब जब आप चैप्टर को पढ़ोगे ना एनसीईआरटी से, तब आपको तीन सेल ही देखने के लिए मिलेंगी, तीन सेल ही देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन दे चारों रखी हैं भैया, फिर हमें क्यों नहीं दिखेंगी, इसलिए नहीं दिखेंगी क्योंकि ये जी सेल जो है ना वो किसी और चैप्टर में दे रखी हैं, इसी यूनिट के किसी और चैप्टर में दे रखी है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा जहां पर मैं आपको वो जी सेल्स आएगी वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो चारों सेल्स हैं वो दे रखी हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगी। तो इस चैप्टर के अंदर आपको सिर्फ तीन सेल मिलेंगी, लेकिन वो चौथी जो सेल है ना वो इसी से रिलेटेड है, लेकिन वो दूसरे चैप्टर में दे रखी है, ठीक है। ये आपकी जठर ग्रंथि जो है ना वो कोई एक ग्रंथि नहीं है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। अब इसके बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं अपन। इपिथीलियल कोशिकाओं के फोल्ड्स हैं ये, ठीक है, ये देखो फोल्ड मैंने आपको दिखाई दिए, ये किसके बने हुए हैं, इपिथीलियल कोशिकाओं के बने हुए हैं, म्यूकोसा के अंदर होते हैं ये, ठीक है ना। लेमिना प्रोपिया में नीचे तक मैंने आपको जब स्ट्रक्चर बताया था, ये जो सीरोसा सब मस्कुलरी सब म्यूकोसा म्यूकोसा के, तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया म्यूकोसा के जस्ट ऊपर क्या होता है, लेमिना प्रोपिया होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। अगर आपको याद नहीं है तो पिछला लेक्चर ध्यान से देखना होगा आपको। तो लेमिना प्रोपिया में ये क्या है, नीचे तक फैली होती हैं और ये स्रावी कोशिकाओं के स्तंभ बनाती हैं। तो ये जो है ये स्तंभ पूरा, ठीक है, तो इसमें क्या है, स्रावी कोशिका, ये भी कुछ सिक्रीट करती है, ये भी कुछ श्रवण करती है, ये भी कुछ श्रवण करती है, ठीक है। तो स्रावी कोशिका का स्तंभ बनाते हैं जिन्हें हम जठर ग्रंथि कहते हैं, इनको कलेक्टिवली अपन क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं।
अब मैंने आपको ये इतनी सारी बताई, मैंने आपको, अब इनको एक एक को पढ़ लेते हैं कौन क्या करती है। सबसे पहले बात करेंगे अपन म्यूकस नेक सेल, हिंदी में बात करूं तो श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका इसको कहा जाता है। म्यूकस नेक सेल हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं। ठीक है, ध्यान से देखना क्या करती है ये। नाम से पता लग रहा है म्यूकस या फिर श्लेष्मा, दोनों वर्ड देख लो, नाम से पता लग रहा है म्यूकस को निकालेगी। म्यूकस को हिंदी में क्या बोलते हैं, श्लेष्मा। म्यूकस को क्या निकालेगी ये, रिलीज करेगी, म्यूकस को स्रावित करेगी, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, म्यूकस की 1 से 3 mm मोटी परत रिलीज करते हैं। ये जो म्यूकस नेक सेल है या फिर जो श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका है, ये म्यूकस निकालती है। लेकिन म्यूकस भी कैसा निकालती है, 1 से 3 mm मोटी परत निकालती है। किसकी, म्यूकस की। म्यूकस की 1 से 3 mm मोटी परत को रिलीज करती है भाई, ध्यान में रखना। और क्या करती है ये, HCL और प्रोटीन पाचक एंजाइम से रक्षा करते हैं। ठीक है, ये जो म्यूकस है वो किस काम आती है, ये जो म्यूकस है वो किस काम आती है, 1 से 3 mm मोटी जो परत है वो निकाली गई है, वो किस काम आएगी, HCL जो अपनी बॉडी में, अपनी जो पेट है, आमाशय है, उसके अंदर निकलता है। अभी आगे बताऊं कौन निकालता है वो HCL। तो HCL की pH कितनी है, 1.8, बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। तो बहुत ज्यादा अगर एसिडिक है तो अपना पेट तो पूरा खराब हो जाएगा, क्यों नहीं होता, इसलिए वजह से नहीं होता, क्योंकि म्यूकस की परत देखो कितनी मोटी है, 1 से 3 mm मोटी परत म्यूकस की ये निकालती है, उसकी वजह से जो है वो चीजें तो अपने आमाशय की जो अंदर का जो सामान है वो खराब नहीं होता, सीधी सी बात की है। ठीक है, तो ये HCL से बचाने का काम करती है। और अब आपने एक चीज नोटिस की होगी यार, कि अपन मांस खाते हैं ना, नहीं अपन, मैं नहीं खाता ना, जो भी खाते हैं जो नॉन वेज होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन हो वो मांस खाते हैं भैया। तो वो जो मांस खाते हैं, जब वो मांस को दूसरे के मांस को, दूसरे जानवर के मीट को अगर वो पचा सकते हैं, तो आपने एक चीज नोटिस नहीं की क्या, कि अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा तो है जो दूसरे के मीट को पचा सकता है, लेकिन खुद के मीट को वो क्यों नहीं पचाता भाई। भाई जब वो दूसरे के मीट को पचा रहा है ना, तो वो खुद के मीट को भी तो पचा सकता है, बिल्कुल पचा सकता है, तो पचाता क्यों नहीं, खुद के मीट को अंदर ही अंदर क्यों नहीं पचा देता। इसलिए नहीं पचा सकता, क्योंकि ये जो म्यूकस की लेयर है ना, ये क्या है, बचा के रखती है अपन को, किससे, HCL से तो बचाती है, साथ में जो प्रोटीन पाचक जो एंजाइम है ना, उनसे भी अपनी रक्षा करती है। ठीक है, कि वही खुद की बॉडी को ना खाने लग जाए, तो इसको क्या है, प्रोटेक्ट करके रखती है। ये होगी आपकी वाली म्यूकस नेक सेल की बातें। ठीक है, अब बात करेंगे अपन दूसरी, जो आपकी है ऑक्सेंटिक पैराइटल, इनको बोलेंगे अपन भीतीय कोशिकाएं। क्या बोलेंगे, भीतीय कोशिकाएं। ये क्या करती हैं, ये दो चीजें निकालती हैं, क्या, एक तो HCL निकालती है, दूसरी है कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसको नेज कारक भी कहते हैं अपन हिंदी में। ध्यान से सुनना यार बातों को, मेरी एनर्जी आज थोड़ी डाउन लग सकती है आपको, लेकिन आप ध्यान से सुनो बातों को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपकी जो ऑक्सेंटिक या फिर पैराइटल सेल, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, भीतीय कोशिकाएं इसको कहा जाता है। ये दो चीजें निकालती है, एक तो आपका HCL निकालती है, दूसरा आपका निकालती है नेज कारक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, शॉर्ट में CIF कहते हैं, नेज कारक। ठीक है, दो चीज निकालती है। HCL जो है उसकी pH आपको याद रखनी है 1.2 से 1.8, जनरली आपको बोले तो 1.8 पे टिक मार देना, बाकी आप ऑप्शन के हिसाब से चेक कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो नेज कारक है ना, ये क्या बवाल है यार, ये कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर CIF शॉर्ट में, नेज कारक हिंदी में, ये क्या बवाल है यार, ये विटामिन B12 का अवशोषण करने में मदद करता है। तो विटामिन B12 जो है ना, उसके अवशोषण के लिए आवश्यक है कौन, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर CIF या फिर नेज कारक, जो है वो किस काम आएगा, विटामिन B12 के अवशोषण के लिए काम आता है। ठीक है, अब तीसरी टाइप की जो सेल मैंने आपको बताई इनके अंदर, वो कौन सी थी, पेप्टिक या फिर चीप सेल। तो ये रही आपकी पेप्टिक या फिर जो चीप सेल है, पेप्टिक सेल बोल दो, चीप सेल बोल दो, जाइमोजन सेल बोल दो, या फिर हिंदी में इस बात को तो मुख्य कोशिका इनको कह दो, पेप्टिक चीप सेल बोल दो, जाइमोजन सेल बोल दो, या फिर इनको क्या बोल दो, मुख्य कोशिकाएं बोल दो। ठीक है, इसी के नाम है सारे। तो ये क्या करती है, निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम निकालती है। क्या निकालती है, निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम, मतलब प्रोटीन पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम तो निकालती है ये, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम निकालती है ये, लेकिन वो एंजाइम कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, एक्टिवेटेड नहीं है, वो एक्टिवेटेड नहीं निकालती, मतलब एक्टिवेटेड वो अब होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, पेप्सिनोजन निकालती है, जन वर्ड दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है, इनएक्टिवेटेड है। ठीक है, और क्या निकालती है, प्रोरेनिन, रेनिन के आगे क्या लग रहा है, प्रो लग रहा है, प्रो का मतलब क्या हो गया, ये क्या है,
ये भी क्या है, इनएक्टिवेटेड है, निष्क्रिय है। तो मैंने आपको तीन प्रकार की कोशिकाएं बताई और तीनों के मैंने आपको चीजें बता दी उनके बारे में। पहली मैंने आपको क्या बताई, म्यूकस नेक्सल या फिर श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं। ये क्या करती है यार, म्यूकस निकालती है 1 से 3 mm मोटी परत का, ठीक है। और वो जो म्यूकस निकाल रही है उससे क्या अपन को क्या फायदा हो रहा है, उससे फायदा ये हो रहा है कि अपन HCL जो इतना एसिडिक है उससे अपन बच रहे हैं। उसके अलावा जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है वो खुद की प्रोटीन को ना यार पचा जाए तो उससे भी ये बचा देता अपन को। दूसरा मैंने आपको दूसरी कोशिका बताई मैंने आपको, कौन सी, ऑक्सेंटिक या फिर पराइटल या फिर भीतीय कोशिकाएं। ये क्या करती है, दो चीजें निकालती हैं, एक आप तो आपका HCL निकालेगी जो कि इसकी पीएच मैंने आपको बताई 1.8 के आसपास होती है, 1.2 से 1.8 मान लो। और उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या निकालती है, नेज कारक निकालती है, जिसको अपन इंग्लिश में केशल्स इंट्रिंसिक फैक्टर या फिर CIF कहते हैं। अब ये जो नेज कारक है वो किस काम आता है, वो काम आता है विटामिन B12 को पचाने में या फिर उस विटामिन B12 के अवशोषण के अंदर ये बहुत ज्यादा आवश्यक होता है नेज कारक। इसका रोल है आगे विटामिन B12 का, ध्यान से सुनना बातों को। नेज कारक किस काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। नेज कारक किस काम आता है, विटामिन B12 के अवशोषण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। दो कोशिकाओं की बात कर दी, तीसरी कोशिका कौन सी बताई मैंने आपको, तीसरी कोशिका थी यार पेप्टिक सेल, चीफ सेल, जाइमोजन सेल या फिर इसको कह दो आप क्या मुख्य कोशिकाएं। तो ये जो कोशिकाएं क्या क्या निकालती हैं, ये निकालती हैं निष्क्रिय प्रोटीन पाचक एंजाइम, मतलब ऐसे एंजाइम जो क्या किसको किसका पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। कौन से एंजाइम है वो, पेप्सिनोजन। जन वर्ड जहां पर आ रहा है ना, जन वर्ड जहां पर आ रहा है वो मतलब इनएक्टिव है, वो एंजाइम कैसा है, इनएक्टिव। तो पेप्सिनोजन आ रहा है मतलब कैसा एंजाइम है, ये इनएक्टिव एंजाइम है। फिर दूसरा एंजाइम कौन से निकालती है, प्रोरेनिन। रेनिन क्या क्या लग रहा है, प्रो लग रहा है, मतलब क्या है, ये इनएक्टिव एंजाइम है। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं कि ये HCL जो यहां पर निकला है ना, इसका रोल क्या है। आपने भैया हमें बताया म्यूकस का रोल, मैंने आपने हमें बता दिया कि भैया ये HCL से बचाता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम से बचाता है। ये नेज कारक है, इसका भी आपने हमें बता दिया कि ये विटामिन B12 के अवशोषण में काम आता है। लेकिन आप हमें बताओ ये HCL जो निकल रहा है ना, इसका रोल है क्या। सॉरी, इसका रोल क्या है, इसके बारे में बात करते हैं ना। थोड़ा सा पानी पी लो। तो इसका रोल क्या है, तो इसका रोल पहला क्या है भाई, कि जो आपका पेप्सिनोजन है ना, ये कैसा इनएक्टिव एंजाइम है ना, ये आपकी पेप्टिक सेल, चीफ सेल, जाइमोजन सेल या फिर मुख्य जो कोशिकाएं हैं, इन्होंने क्या किया, एंजाइम तो निकाल दिया लेकिन वो कैसा था, इनएक्टिव एंजाइम था। और एंजाइम जब तक इनएक्टिव है कोई काम का वो है नहीं। तो जब वो कोई काम का नहीं है ना, कोई काम का नहीं है तो वो निकल क्यों रहा है, क्योंकि उस एंजाइम को पता है कि जब भी हम बाहर जाएंगे ना तो हमें HCL भैया जो वो तैयार के मिलेंगे वहां पर। तो जैसे ही हमें HCL भैया मिलेंगे हम क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो पेप्सिनोजन जैसे ही HCL के कॉन्टेक्ट में आता है ना, तो जो पेप्सिनोजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। पेप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव एंजाइम है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो, ये क्या है आपका इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, और ये क्या हो गया आपका एक्टिव। तो पहला रोल आपको समझ में आया कि HCL क्यों निकल रहा है, HCL इसलिए निकल रहा है कि पेप्सिनोजन को उसको क्या करना है, पेप्सिन में कन्वर्ट करना है। तो पेप्सिनोजन जैसे ही HCL के कॉन्टेक्ट में आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा प्रोरेनिन भी जब HCL के कॉन्टेक्ट में आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दो बढ़िया रोल है ना, इन दोनों एंजाइम्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, इन दोनों, ये दोनों एंजाइम कैसे थे, निष्क्रिय थे, इनको क्या कर दिया, सक्रिय कर दिया। उसके अलावा HCL का काम है, HCL जो है वो क्या करता है, किल माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स है, जो सूक्ष्म जीव है ना, उनको किल कर देता है यार, कि वो अपनी बॉडी के अंदर नुकसान ना पहुंचाए। कोई सूक्ष्म जीव आ गया जो अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है तो उसको मार देता है, क्योंकि इसकी पीएच क्या होती है, बहुत ज्यादा एसिडिक होती है, तो मजा आएगा वो, ठीक है। और इसका एक ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, Fe3+ जो है ना, Fe3+, ठीक है, अपन ने खाना खाया उसमें आयरन की मात्रा है, बिल्कुल मात्रा है, Fe3+ फॉर्म में है वो, ठीक है। वो जैसे ही HCL के कॉन्टेक्ट में आएगा ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2+ में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2+
टू प्लस में, और जैसे ही वो एफ ई टू प्लस में कन्वर्ट हुआ ना, ये एफ ई टू प्लस किस काम आएगा, हीमोग्लोबिन के निर्माण में काम आता है। समझ रही बात, एफ ई थ्री प्लस जो है ना उससे हीमोग्लोबिन नहीं बन सकता, लेकिन एफ ई टू प्लस से बन सकता है। और एफ ई थ्री प्लस को एफ ई टू प्लस में कन्वर्ट कौन करेगा, एच सी एल करेगा। कौन करेगा, एच सी एल करेगा। तो एच सी एल क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होगी ना भाई, कितने सारे काम है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर रहा है, एच सी एल माइक्रोब्स को मार रहा है, है ना, एफ ई थ्री प्लस को एफ ई टू प्लस में कन्वर्ट कर रहा है, और एफ ई टू प्लस किस काम आ रहा है, हीमोग्लोबिन बनाने का काम आ रहा है। ठीक है, अब एक कंडीशन होती है यार, एक कंडीशन होती है एक्लोरहाइड्रिया, एक कंडीशन होती है एक्लोरहाइड्रिया। ये क्या कंडीशन है यार, ये ऐसी कंडीशन है एक्लोरहाइड्रिया, ये ऐसी कंडीशन है, इसके अंदर क्या होता है, एच सी एल जो है ना वो अब्सेंट हो जाता है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, किसी इंसान के अंदर अगर एच सी एल की कमी आ जाए तो उस इंसान की उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, एक्लोरहाइड्रिया कहा जाता है। कोई एक व्यक्ति है उसके अंदर एच सी एल नहीं बन पा रहा है, अब्सेंट हो गया एच सी एल, ठीक है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एक्लोरहाइड्रिया कहते हैं। अगर एच सी एल की कमी आ जाएगी ना तो क्या दिक्कत आएगी, क्या दिक्कत आएगी वो समझो भाई, अगर एच सी एल की कमी आ गई ना तो अपने आयरन की कमी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। क्यों, क्योंकि ये एफ ई थ्री प्लस तो कोई काम आता ही नहीं है ना, एफ ई थ्री प्लस को तो अपन डायरेक्ट काम ही नहीं ले सकते। अभी एफ ई थ्री प्लस को ये एच सी एल किस में कन्वर्ट करेगा, एफ ई टू प्लस में कन्वर्ट करेगा, तब जाकर हम इसको काम में ले सकते हैं, अपना शरीर इसको काम में ले पाएगा। तो अगर एच सी एल ही नहीं है तो ये एफ ई थ्री प्लस तो कोई काम का नहीं है, तो एफ ई की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, एच सी एल नहीं होगा तो आयरन की कमी आ जाएगी, और जब आयरन की कमी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। कौन सा एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि ये एफ ई टू प्लस किस काम आता है, हीमोग्लोबिन के निर्माण में काम आता है, और हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, ब्लड के अंदर होता है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी मतलब आरबीसी जो है वो कोई काम की नहीं रहेगी, तो कैसा हो जाएगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा उस इंसान के अंदर। कोई इंसान है उसके अंदर एच सी एल नहीं निकल रहा है, उस कंडीशन को कहते हैं अपन एक्लोरहाइड्रिया। एक्लोरहाइड्रिया जिसको हो गया उसके अंदर एफ ई की कमी आएगी, आयरन की कमी आएगी, आयरन की कमी आएगी तो क्या होगा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। यहां तक बातें समझ में आई। अब मैंने आपको बताया ना एक चौथी सेल भी होती है, मैंने आपको क्या कहा कि एक म्यूकस नेक सेल होती है, एक ऑक्सेंटिक सेल होती है, एक पेप्टिक सेल होती है, इसके अलावा मैंने एक चौथी सेल बताई जी सेल, जो इस चैप्टर में नहीं दे रखी, आगे आगे वाला चैप्टर जो है उनमें है। ये जी सेल किस काम आती है, ये जी सेल जो वो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करते हैं, ये जी सेल जो क्या करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो रिलीज करती है, ये गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करती है, और ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो किस काम आता है, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, कि भाई कहीं गैस्ट्रिक जूस ज्यादा तो नहीं निकलता, कम तो नहीं निकलता, तो उस चीज को कंट्रोल करने का काम किसका, इस गैस्ट्रिन हार्मोन का काम होता है। और ये कौन काम करता है, जी सेल जो है ना वो मतलब सीधी सी बात है सबको कंट्रोल में रखने का काम करती है, ये जी सेल जो है सबको कंट्रोल में, कि भाई ज्यादा मत कर, ज्यादा एचसीएल नहीं निकालना, कोई ज्यादा एचसीएल निकालना क्या, ना ना ज्यादा एचसीएल नहीं निकालना, कोई ज्यादा म्यूकस निकाला, नहीं नहीं ज्यादा म्यूकस भी नहीं निकालना भाई, सारा आराम से कम निकाला क्या म्यूकस, नहीं ज्यादा निकाल, थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ, ये सारा कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये आपके जी सेल करती है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, नेज कारक। अभी अपन ने बात करी ना नेज कारक की है ना, तो वो नेज कारक इंग्लिश में इसका नाम देख लो भाई, केशल्स इंट्रिंसिक फैक्टर CIF, क्योंकि पेपर में ये भी आ सकता है ना, वो इसको ही हिंदी में कन्वर्ट करके दे सकता है आपको, इसको ही हिंदी में लिख देगा केशल्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है, केस्टल भी लिख सकता है ना, केस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर, ऐसे कुछ हिंदी में इसको ही लिख सकता है ना, चाहे वो होगा इंग्लिश का, तो ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि इसको केशल्स इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं, CIF इसको कहा जाता है शॉर्ट में, और इसको नेज कारक हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मैंने आपको रोल तो बता दिया मैंने आपको कि क्या काम करता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि विटामिन B12 का अवशोषण करने में ये मदद करता है, विटामिन B12 का अवशोषण करवाता है, कौन करवाता है, ये CIF। ठीक है, विटामिन B12 की अगर कमी हो जाएगी ना भाई, विटामिन B12 अपने ये इतनी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है इतनी, मैं कह रहा हूं कि जो नेज कारक है ना ये क्या करवाता है, विटामिन B12 का अवशोषण करवाता है। ठीक बात है, और विटामिन B12 की अगर कमी हो जाए ना किसी भी इंसान के अंदर, अगर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो उसको क्या हो सकता है, पता आपको, परनीसियस एनीमिया हो सकता है उसको, क्या हो सकता है, परनीसियस
एनेमिया। विटामिन बी12 का अवशोषण कौन करवाता है? सीआईएफ करवाता है। और अगर इस विटामिन बी12 की कमी हो गई, ढंग से अवशोषण नहीं हो पा रहा, अगर ये नेज कारक नहीं निकल रहा, नेज कारक नहीं निकलेगा तो विटामिन बी12 का अवशोषण नहीं होगा, विटामिन बी12 का अवशोषण नहीं होगा तो क्या होगी? कमी हो जाएगी विटामिन बी12 की, और विटामिन बी12 की अगर कमी हो गई तो परनीशियस एनीमिया हो जाएगा उस इंसान के अंदर। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, भैया ये हमें आयरन वाला तो खेल समझ में आ रहा था, आयरन वाला खेल तो हमें समझ में आ रहा था भाई, आयरन से क्या बन रहा है? हीमोग्लोबिन रन बन रहा है, उसकी वजह से माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो रहा है। लेकिन आप हमें ये बताओ कि विटामिन बी12 की वजह से परनीशियस एनीमिया कैसे हो सकता है, वो हमें बताओ। आज मैं बताता हूं, विटामिन बी12 की भूमिका को समझते हैं, क्या भूमिका है विटामिन बी12 की, क्यों होता है इसकी वजह से परनीशियस एनीमिया। ध्यान से देखना, यह आरबीसी की परिपक्वता के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है? किसके लिए? आरबीसी की परिपक्वता के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब सीधी सी बात बताऊं कि आरबीसी को मैच्योर करने में कौन मदद करता है? ये विटामिन बी12, ठीक है? ये आपकी क्या है, ये बड़ी सी जो आपको आरबीसी दिखाई दे रही है ना, ये क्या है? आपकी इमेच्योर आरबीसी है, परिपक्व नहीं है अभी, ये कोई काम की नहीं है, ये इमेच्योर है। जैसे ही विटामिन बी12 की, विटामिन बी12 आएगी, विटामिन बी12 क्या करेगी, इस आरबीसी को क्या करेगी? मैच्योर करेगी, मैच्यूरेशन करेगी, परिपक्व करेगी इसको, और ये किस में बदल देगी? इसको मैच्योर आरबीसी में। ये कैसी है? परिपक्व आरबीसी है। आपको पूछे कि इमेच्योर जो आरबीसी होती है, जो अपरिपक्व आरबीसी है, उसका शेप कैसा होता है, उसकी साइज कैसी होती है, तो आप कह देना बड़े आकार की होती है वो। लेकिन अगर आपको पूछे मैच्योर आरबीसी, परिपक्व आरबीसी कैसी होती है, बोल देना छोटे आकार की होती है, ठीक है? तो अपनी आरबीसी की जो मैच्योर आरबीसी है वही अपने काम की है। अगर यहां पर विटामिन बी12 की कमी हो गई तो मैच्योर आरबीसी नहीं बनेगी, सारी आरबीसी कैसे घूमती रहेंगी? इमेच्योर घूमती रहेंगी, ठीक है? इमेच्योर घूमती रहेंगी, वो अपने कोई काम की नहीं है। जब कोई काम की नहीं है तो परनीशियस एनीमिया हो जाएगा, अरक्तता की कंडीशन आपको देखने मिलेगी, परनीशियस एनीमिया हो जाएगा, ठीक है? तो विटामिन बी12 या फिर जो आपका नेज कारक है विटामिन बी12 सीआईएफ या फिर आपका जो नेज कारक है, अगर वो अब्सेंट हो गए तो आरबीसी की परिपक्वता नहीं होगी, और जब आरबीसी की परिपक्वता नहीं होगी तो परनीशियस एनीमिया या फिर मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। अभी थोड़ी, अब इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, इसका नाम परनीशियस एनीमिया भी है और इसका नाम क्या है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक और एनीमिया बताया था, कौन सा? माइक्रोसाइटिक एनीमिया। वापस चलता हूं मैं पीछे, इस FE की कमी से अगर HCL अगर नहीं है किसी के इंसान के अंदर, HCL नहीं निकल रहा, तो उसके अंदर किसकी कमी आ जाएगी? FE की कमी आ जाएगी, है ना? तो अगर FE की कमी से कौन सा होता है? माइक्रोसाइटिक, वर्ड ध्यान से सुनना यार, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। और अगर विटामिन बी12 की वजह से हो रहा है ना, विटामिन बी12 की वजह से हो रहा है, तो परनीशियस एनीमिया मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। कौन सा? मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है? आगे चलते हैं, अब बात करेंगे गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन के बारे में, बात कर लेते हैं कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या कैसे होता है, ठीक है? तो पीएच कितनी? 1.5 से 2.0 इसकी पीएच होती है। अगर आपको एक एवरेज पीएच होता हो तो 1.8 पे टिक मार देना, ठीक है? रिलीज कितनी होती, कितना गैस्ट्रिक जूस निकलता है एक दिन में? एक दिन में भाई 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस अपने अंदर निकलता है, ठीक है? ये ध्यान में रखना। अब अडल्ट के अंदर क्या क्या होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर? अब भाई मैं अडल्ट हूं तो मेरे गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होगा, और एक कोई नवजात शिशु है जो 1 साल तक का जो बालक है, ठीक है, उसके अंदर, बालक बालिका जो भी, उसके अंदर जो है क्या क्या होगा सामान, दोनों की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें अपन? गैस्ट्रिक, जिसे अपन लार के बारे में बात करें, सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है, बस वही यहां पर बात कर रहे हैं अपन। एडल्ट के जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर क्या क्या होगा? HCL होगा, अभी बात कर ली अपन ने, म्यूकस होगा, अभी बात कर ली अपन ने, है ना, पेप्सिनोजन होगा, अभी बात कर ली अपन ने, गैस्ट्रिक लाइपेज होगा, और क्या होगा? गैस्ट्रिक लाइपेज। ये तो होंगे भैया एडल्ट के अंदर। अब बात करेंगे शिशु के अंदर क्या क्या होगा। शिशु के अंदर HCL होगा, सेम सेम, म्यूकस होगा, सेम सेम, पेप्सिनोजन होगा, सेम सेम, गैस्ट्रिक लाइपेज होगा, इसमें एक्स्ट्रा रहा प्रोरेनिन। ये प्रोरेनिन क्या है? प्रोरेनिन क्या है ये ध्यान से सुनो भाई। प्रोरेनिन जो है किस काम आता है ये? यार ये एक एंजाइम ही है। ये क्या है? एक एंजाइम। ऐसा ही एक मिलता जुलता आपको एक वर्ड और दिखाई देगा, यहां पर जो स्पेलिंग है वो क्या है? RENNIN। एक स्पेलिंग आपको दिखेगी RENIN, ये अपन को एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में दिखाई देगा ये वाला जो वर्ड है, ठीक है?
ठीक है, और ये वाला जो है अपन को यहाँ डाइजेशन में दिखाई दे रहा है, तो इनमें कंफ्यूज होता है ना, स्पेलिंग का ध्यान रखना, इसमें डबल एन है, इसमें एन है, ठीक है। तो ये प्रोरेनिन जो है वो अपने अंदर नहीं होता, जो बड़े हो गए ना अपन, एडल्ट हो गए, अपने अंदर नहीं होगा, ये किसके अंदर होगा, शिशु के अंदर होता है। क्यों होता है शिशु के अंदर, ही खास बात, खास तरीके से इसलिए होता है कि आप और मैं तो क्या है, खाना खा सकते हैं ना, रोटी खा ली, चावल खा लिए, मोमोज खा लिए, समोसे खा लिए, मैगी खा ली। शिशु खाता है, एक साल का बालक खाता है भाई, एक साल का बच्चा जो है वो ये सब खाता है, नहीं खाता, वो क्या करता है, सिर्फ दूध पीता है, ठीक है, दूध पीता है। तो भाई जितने भी ये सारी चीजें बनाई, उसने पूरा ध्यान रखा है कि वो सिर्फ दूध पिएगा, तो दूध पिएगा तो क्या है, उसके लिए कोई इंतजाम होना चाहिए। दूध के अंदर एक प्रोटीन होती है, दूध के अंदर एक होती है प्रोटीन, मिल्क के अंदर क्या होती है जी, मिल्क के अंदर क्या होती है, एक प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या है, केजीन प्रोटीन। क्या नाम है, केजीन प्रोटीन। ये जो केजीन प्रोटीन है ना, इसको पचाने में कौन हेल्प करता है, ये जो है ना, ये प्रोरेनिन जो है वो मदद करता है। प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट किसने किया था, HCl ने, थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, प्रोरेनिन तो क्या है, इनएक्टिव है, लेकिन इसको रेनिन में कन्वर्ट कौन करता है, HCl करता है, ठीक है। ये जो केजीन प्रोटीन है, इसको पचाने में ये मदद करता है। तो शिशु में दूध का पाचन, दूध का पाचन, दूध में क्या होती है, केजीन प्रोटीन। जैसे ही दूध पिया बच्चे ने, ये प्रोरेनिन अपना काम करने लग जाता है। पहले उसको दही की फॉर्म में, दही की फॉर्म में बनाता है, जो आपने देखा भी होगा, छोटे बच्चे जो है वो उल्टी करते हैं ना, छोटे बच्चे जो है वो उल्टी बहुत करते हैं, तो वो उल्टी करते हैं तो उसमें दही सा निकलता है। क्यों निकलता है, इसीलिए निकलता है क्योंकि दूध का क्या हो जाता है, दूध का दही बनने लग जाता है, पहले दही बनता है उसके बाद में वो पचता है, ठीक है। तो ये स्पेशल है बच्चों के अंदर, प्रोटीन होता है, ठीक है, आगे चलेंगे। अब बात करेंगे अपन इंटेस्टाइनल ग्लैंड की, ठीक है। अब यहां तक अपन ने क्या क्या पढ़ ली, मैंने मुंह के अंदर जो ग्रंथि थी सलाइवरी ग्लैंड उसकी बात कर ली, जो अपने अमाशय के अंदर जो ग्रंथि थी गैस्ट्रिक ग्लैंड उसकी बात कर ली। अब अपन चलेंगे कहां पर, अपनी इंटेस्टाइन के अंदर चलेंगे, आंत के अंदर, है ना। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड या फिर क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकुहान, ठीक है, ये भी ग्रंथि है ना। ये क्या रिलीज करती है, सकस एंटेरिकस रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, सकस एंटेरिकस। क्या ये इंटेस्टाइनल जूस है, जैसे अपन ने अमाशय के अंदर निकाला था उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोल दिया, यहां पर क्या, इंटेस्टाइनल जूस। क्या क्या होता है इसके अंदर, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। H2 होता है, म्यूकस होता है, माल्टेज होता है, एंटेरोकाइनेज होता है, न्यूक्लियोसाइडेज होता है, न्यूक्लियोटाइडेज होता है, डाइपेप्टाइडेज होता है, अमाइनो पेप्टाइडेज होता है, इंटेस्टाइनल लाइपेज होता है, लैक्टेज होता है, सुक्रेज होता है, ये सारी चीजें होती हैं भाई। अब इन सब का रोल है यार, है ना, वो डाइजेशन में अपन बात करेंगे कहां पर, जब अभी तो आपको ग्रंथियों के बारे में बात करवा रहा हूं, जब पाचन के बारे में अपन बात करेंगे ना कि पाचन कैसे होता, पाचन की क्रियाएं कैसे हो रही, तब मैं आपको इनके सारा रोल जो है बताऊंगा, इनके सबके रोल आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके अलावा आपको पता है लीवर भी होता है, एक लीवर भी नाम की चीज भी होती है, लीवर होता है, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज होता है, ठीक है। तो लीवर जो है ना, मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेता हूं मैं, यहां क्या है आपका, यहां क्या है आपका, लीवर, ठीक है, और यहां क्या हो जाएगा आपका, पेंक्रियास, ये क्या हो गया, पेंक्रियास। तो अब आपके दिमाग में चीज अगर आ रही है तो गलत आ रही है कि भैया खाना यहां आएगा पेट में जाएगा, उसके बाद में वो लीवर को कनेक्ट नहीं करना, भूल गया ना मैं, लीवर को कनेक्ट कर देते, चलो फिर वो कहां जाएगा, लीवर के अंदर जाएगा, उसके बाद लीवर से आएगा वातपाउस और फिर पेंक्रियाज में जाएगा और फिर इसमें इंटेस्टाइन में जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ना खाना कभी लीवर में जाता है ना कभी पेंक्रियाज में जाता है। तो भैया हमें एक बात बताओ, लीवर का फिर रोल क्या रहा, लीवर का क्या रोल रहा खाना पचाने में। यार ये रोल ऐसे रहता है कि ये लीवर जो है ना, ये अपने कुछ सिक्रीशन जो है, इसके कुछ सिक्रीशन जो है
इसके कुछ श्रवण जो है वो इसमें आ जाएंगे, इंटेस्टाइन के अंदर ही आ जाएंगे, और इस या आपकी जो पेंक्रियाज जो है इसके भी अग्नाशय जो है ना इसके भी जो सिक्रेशन होंगे वो सारे कहाँ आ जाएंगे, इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएंगे, और फिर वो घुल मिल के काम करेंगे। तो ये जो सारे सिक्रेशन है वो किसके हैं, आपकी आंत के हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें मैं और ऐड कर देता हूँ, उसमें ऐड कर दो आप किसके, लीवर के प्लस पेंक्रियाज के सिक्रेशन प्लस पेंक्रियाज, ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर आ जाएंगे, उसके बाद वो पाचन की क्रिया करते हैं। आज पढ़ेंगे यहां तक ही पढ़ेंगे यार, ठीक है, बाकी करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। कल एक क्लास मिलेगी आपको सुबह मिल जाएगी, बोटनी क्लास मिलेगी सुबह मिलेगी, 10:30 के आसपास आपको क्लास मिलेगी सुबह, तो वो देखना। और उसके अलावा कल केमिस्ट्री की डीपी भी मिलेगी आपको, और कल केमिस्ट्री की केमिस्ट्री और जूलॉजी क्लास शाम को रहेंगी, और बोटनी क्लास जो है वो सुबह रहेगी, तो इस हिसाब से देख लेना आप, है ना। और अगले संडे को टेस्ट है, उसकी तैयारी रखना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। समझ में आया नहीं है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। एनर्जी थोड़ी लो थी, थोड़ा सा आप साथ देना यार, एक दो दिन की बात है, ठीक हो जाएंगी चीज़ें। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।